आई एम मिस्टर वैभव चित्रमारे लैक्चरर इन मेकनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एन आई टी पॉलिटेक्निक नागपुर आई वेलकम यू ऑल इन दिस ट्वेंटी सेवेंथ लेक्चर ऑफ मेकानिकल इंजीनियरिंग मटेरियल टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज रबर एंड सिरेमिक रिवाइज द प्रिवियस लेक्चर इन प्रिवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक with their properties and applications we also learn various thermosetting plastic with their properties and applications i hope you gone through the notes and revise this topic very well learning outcomes after completion of this lecture you are able to distinguish between metallic and non metallic materials on the basis of

ये रबर के टायर से जो हमारे ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं उसी तरह ये हमारे रबर के पाइप से एक रबर के पाइप का जो अच्छा एग्जाम्पल है वो हमारे घर के गैस में गैस सिलेंडर को जो हम यूज़ करते हैं वो जो पाइप है वो होस है वो हम रबर से बनाते हैं उसी प्रकार से ये जो छोटे रबर बैंड्स जो है उनका इस्तेमाल हम मिठाई के जो पॉकेट्स रहते हैं वहाँ पे करते हैं बहुत सारी जगह हम इन रबर्स का इस्तेमाल करते हैं तो चलो देखते हैं रबर क्या है रबर इज एन इलास्टिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर विच इज मिल्की इमूल इमुल्स, इमुल्सन इन दैप से ऑफ सेवरल वेराइटीज ऑफ प्लांट तो रबर जो है ये हाइड्रोकार्बन पॉलीमर है जो मिल्की रहता है और प्लांट से मिलता है मतलब पेड़ पौधों से वो मिलता है प्रोड्यूस फ्रॉम मिल्की लिक्विड कॉल्ड एज लेटेक्स जो रबर मिलता है हमें मिल्की लिक्विड से उसे हम लेटेक्स बोलते हैं रबर को ही हम इलास्टोमर भी कहते हैं रबर का दूसरा नाम क्या है इलास्टोमर ये जो रबर है अ मटेरियल दैट कैन बी स्ट्रेच उसको हम खींच सकते हैं एंड विल रिट्रैक्ट रैपिडली एंड फोर्सबली टू सब्सटीशियली इट्स ओरिजिनल डायमेंशन अपॉन रिलीज ऑफ द फोर्स इसका मतलब है कि जब हम रबर को खींचते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है और जैसे हम रबर के ऊपर का फोर्स रिमूव करते हैं वो रैपिडली अपना ओरिजिनल शेप धारण कर लेता है इस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर वन में उसे हम इलास्टिसिटी कहते थे याद है सभी को उसके बाद रबर बना कैसे रबर की उत्पत्ति अगर हम देखते हैं तो 1736 मतलब 1736 में फ्रांस में रबर मिला था उसके बाद 1791 में वाटर प्रूफ क्लोथ मतलब अगर हमको रेनी सीजन में अगर कोई कपड़े पहनने हैं वाटर प्रूफ जैसे हमारे रेनकोट है तो नाइन सेवनटीन में ऐसे वाटर प्रूफ क्लोथ बनाए गए थे रबर से उसके बाद 1839 में वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की प्रोसेस डिस्कवर्ड हुई थी और 1879 में सबसे पहली बार सिंथेटिक रबर लेबोरेटरी में बना गया था तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ रबर लेट अस डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रबर रबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स मतलब रबर के दो बेसिकली पार्ट रहते हैं एक रहता है नेचुरल रबर और दूसरा होता है सिंथेटिक रबर सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल रबर जैसे आपको इस स्लाइड के ऊपर इस डायग्राम ये डायग्राम आपको दिख रही है तो आपको एक पेड़ दिख रहा है उस पेड़ के माध्यम से हमने एक मिल्की लिक्विड जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं वो हमने कलेक्ट किया है इसे हम नेचुरल रबर कहते हैं नेचुरल रबर इज ऑपटे फ्रॉम मिल्कि सिक्रेशन वेरियस प्लांट्स बट द ओनली कमर्शियल सोर्स ऑफ नेचुरल रबर कॉल्ड एज पैरा रबर एंड द ट्री इज हेविया ये जो ट्री है ये हेविया ब्रेसलिस नाम की ट्री है जिससे हम ये मिल्की लिक्विड कलेक्ट करते हैं और उससे हम नेचुरल रबर कहते हैं तो आप सभी ने ये रबर ट्री का नाम ध्यान में रखना है पॉलीमर इज एनी टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इलास्टोमर मेनली सिंथेटाइज फ्रॉम पेट्रोलियम बायोप्रोडक्ट मतलब सिंथेटिक रबर एक ऐसा पॉलीमर है जो आर्टिफिशियल रबर है सिंथेटिक रबर मतलब क्या है इट इज ए आर्टिफिशियल रबर जिसको बनाने के लिए हम पेट्रोलियम बायोप्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं सिंथेटिक रबर विद द मैकेनिकल प्रॉपर्टी दैट इज इट कैन अंडरगो इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस एंड स्टिल रिटर्न टू इट्स प्रीवियस साइज विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन सिंथेटिक रबर की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हम इसको खींचते हैं तो स्ट्रेस होना चाहिए और जब हम उसके ऊपर का फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहिए ये प्रॉपर्टी हम सिंथेटिक रबर से बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं सिंथेटिक रबर इज वाइट वाइट कलर का रहेगा क्रमली प्लास्टिक प्रोड्यूस एंड वेलकनाइज इन द सेम वे द नेचुरल रबर ये चार्ट आपको यहां पे दिख रहा है सबसे पहले हमारे पास नेचुरल गैस होना जरूरी है क्रूड ऑयल हमारे पास होना जरूरी है फिर उसका हम रिफाइनमेंट करेंगे बराबर है फिर नापथा का यूज करेंगे उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ मोनोमर्स इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है ना जो भी मोनोमर्स रहेंगे हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से लेंगे और इस मोनोमर्स के अंदर हम बुटाडियन स्टाइरिन आइसोप्रीन इथेन प्रोपेन बेंजीन, ये जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर हम एड करेंगे जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा सिंथेटिक रबर मिलेगा और उस सिंथेटिक रबर का हम वेरियस टाइप्स में कर सकते हैं जैसे एस हो गया एन बी आर हो गया आई आर हो गया सी आर हो गया या सिंथेटिक लैटेक्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन कैरिड आउट द सिंथेटिक रबर अभी हम देखते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर ये जो टॉपिक हमने देखा था ये टेंथ स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है बराबर है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर सो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है वलकनाइजेशन ऑफ रबर इज़ द प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ रबर इलास्टिसिटी रबर की जो इलास्टिसिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं रबर के ऊपर उसको हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं उसके बाद वलकनाइजेशन ऑफ रबर हम करते हैं तो जो रबर रहता है उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जो है वह बहुत बढ़ जाती है एट हाई टेम्परेचर अगर हमें वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करना है तो रबर के साथ हमें सल्फर को ऐड करना पड़ता है जिसकी वजह से जो रिजल्ट मिलता है तो हमें क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर हमें वहां पे मिलता है जिसको हम पॉलीआइसोप्रिन के मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग हमें मिलती है बराबर है तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हमें करना है तो नेचुरल रबर के साथ हमें सल्फर को ऐड करना पड़ता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में पूछा जाता है केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रबर इंटू मोर ड्यूरेबल मटेरियल बाय एडिंग सल्फर एंड इक्विवेलेंट मटेरियल तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या इट इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रबर इंटू मोर ड्यूरेबल रबर मतलब जो सादा रबर है जो अपना कन्वेंशनल रबर है जो हमको ट्री से मिला हुआ है उसको हमें अगर बहुत पक्के रबर में कन्वर्ट करना है बहुत दिनों तक चलने वाले रबर में कन्वर्ट करना है तो हमें ऐड करना पड़ता है सल्फर और इस केमिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर अगर हमको टायर बनाना है तो हमें उसमें पाँच सल्फर को ऐड करना पड़ता है अगर हमें इबोनाइट रबर की अगर बात करते हैं तो 20 से 25 फाइव परसेंट सल्फर हमें वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अगर हमें बैटरी के केसेस अगर बनाने हैं तो हमको 30 परसेंट ऑफ रबर वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि नेचुरल रबर में हमने थोड़ा सा सल्फर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है ये सल्फर दिख रहा है और यहाँ पे हीटिंग की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है तो दिस ये जो प्रोसेस है इसे हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं सबसे पहले हम सिंथेटिक रबर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रबर आता है उसे हम कहते हैं न्यूप्रीम न्यूप्रीम का ये जो दूसरा नाम है क्लोरोप्रीन ये भी आपने ध्यान रखना है और इसको हम सीआर से डिनोट करते हैं बराबर है तो चलो देखते हैं हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं न्यूप्रीम इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू नेचुरल रबर इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है नेचुरल रबर के जैसा ही है और इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो भी है वो भी नेचुरल रबर के जैसी है इट इज रेजिस्टेंट टू ऑयल ऑयल का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है ना कि केमिकल्स का होता है ना ही सनलाइट का होता है ना कोई वेदर का उनाड़ा हिवाड़ा पावसाड़ा उसका कोई उसके ऊपर असर नहीं होता है ना ही उसका ओजन लेयर का इस रबर के ऊपर कोई भी असर होता है इट रिटेन इट्स प्रॉपर्टी एट टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी अपनी ये प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करता है

उस गैस को लीक होने के चांसेस एकदम जीरो परसेंट है, है ना लीक प्रूफ हमें यहाँ पे मिलता है आल दो इट इज स्लाइटली इंफेरियर टू नेचुरल रबर इट मोस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टू सेट पर्टिकुलरली एट एलिवेटेड टेम्परेचर इसके कॉम्प्रेशन में जो प्रॉपर्टी है वो भी काफी अच्छी है इट कैन बी यूज फॉर लो वोल्टेज इंसुलेशन जहां पे लो वोल्टेज इंसुलेशन की बात होती है अगर हम वायर को इंसुलेशन करते हैं तो वहां पे हम न्यू रबर का यूज कर सकते हैं और इसकी जो ड्राई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम है बराबर है तो दीज आर द सर्टन प्रॉपर्टी अभी हम अप्लीकेशन देखते हैं न्यू के इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए जो कि पेपर में आ चुका है कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए कौन से रबर का यूज होता है न्यू का या वी बेल्ट बनाने के लिए ये देखो स्लाइड में आप सभी को दिख रहा होगा कि ये कन्वेयर बेल्ट जो ऊपर वाली डायग्राम है वहां पे आपको कन्वेयर बेल्ट दिख रहा है अगर आप पार्ले जी कंपनी में जाते हो या कोई भी ऐसे बड़ी इंडस्ट्री में जाते हो तो पे कन्वेयर बेल्ट्स रहते हैं तो कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए हम न्यू प्रीम का यूज करेंगे ये ब्लैक कलर के व्यू बेल्ट आपने सभी मशीनरीज के ऊपर देखे होंगे ये भी न्यू प्रीम से बनते हैं उसके बाद है वायर्स हो गए केमिकल्स हो गए केमिकल टैंक्स हो गए है ना उसके लिए भी हम न्यू प्रीम का यूज करते हैं उसके बाद हॉर्स कवर या फुटवेयर फुटवेयर आप सभी को पता है ये जो शूज दिख रहे हैं आपको शूज या चप्पल वगैरह हमको बनानी है तो हम न्यूप्रीम रबर का यूज करते हैं उसके बाद ब्रेक डायफ्राम मोटर माउंट्स एंड रोल्स गैसकेट डायफ्राम डायफ्राम आपको पता होगा जैसे आप क्लच वगैरह पड़ेंगे है ना डायफ्राम टाइप क्लच वगैरह रहता है तो वो जो डायफ्राम्स रहते हैं डायफ्राम बनाने के लिए गैस्केट बनाने के लिए है ना उसका किसका इस्तेमाल होगा न्यूप्रीम का इस्तेमाल होगा तो ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज अपने ध्यान में रखने हैं। बराबर है दोस्तों अभी हम दूसरा रबर देखते हैं दैट इज स्टाइरिन बुटाडियंस रबर इसको हम शॉर्ट में एस बी आर भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है बुना एस मोस्ट प्रोबेबली हम इसको एस बी आर या बुना एस से जानते हैं चलो इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं दे आर ऑयल रेजिस्टेंस ऑयल का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है इसके अलावा पुअर केमिकल रेजिस्टेंस इसका इसके ऊपर थोड़ा बहुत केमिकल का असर होता है इट हैज एक्सलेंट इंपैक्ट एंड एब्राजन रेजिस्टेंस है ना अभी देखो इंपैक्ट रेजिस्टेंस मतलब इसकी टफनेस काफी अच्छी इसकी क्या अच्छी है टफनेस अच्छी है और एब्राजन रेजिस्टेंस मतलब इसकी हार्डनेस काफी अच्छी है दे आर लो इन टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है एंड सम अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नेचुरल रबर और ये सस्ता है दे आर एट लो कॉस्ट दीज आर दी सर्टन प्रॉपर्टीज जो आप सभी को ध्यान में रखनी है अभी हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑटोमोबाइल टायर के लिए कौन सा रबर यूज करते हैं तो ऑटोमोबाइल के अगर टायर हमें बनाने हैं तो यस बी आर टायर मतलब बुनायस का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा अभी तुम बोलोगे सर बुना यस ही क्यों करेंगे क्योंकि एस टायर की एब्राजन रेजिस्टेंस काफी अच्छा है कितने भी बार और कितने भी स्पीड से अगर वो टायर रस्ते के ऊपर चलेगा तो उसका वियर एंड टीयर होगा नहीं हम अपनी भाषा में टायर टकली नहीं होगा बराबर है उसका इंपैक्ट स्ट्रेंथ काफी अच्छा है केमिकल का उसके ऊपर असर नहीं होता है ऑयल का उसके ऊपर असर नहीं होता है इसकी वजह से एस टायर जो एस रबर है वो टायर बनाने के लिए हम यूज करते हैं इसके बाद इट इज यूज इन द बेल्ट बेल्ट बनाने के लिए सोल ऑफ शूज सोल ऑफ आप शूज आपको पता है बराबर है ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम है ना सोल ऑफ शूज शूज या चप्पल के जो सोल्स रहते हैं या फ्लोरिंग ये आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्लोरिंग दिख रहा है बराबर ये फ्लोरिंग्स बनाने के लिए हम एस बी आर रबर का यूज करते हैं नेक्स्ट सिंथेटिक रबर हम देखते हैं नाइट्रिल बुटाडियंस टाइरिन जिसको हम बुनायस भी बोलते हैं चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं इट इज लो इन मोस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ना इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उतनी अच्छी नहीं है इसकी टेंसाइज स्ट्रेंथ भी काफी कम है इट्स रेजिलेंस इज रफली वन थर्ड टू वन वन हाफ दैट ऑफ द नेचुरल रबर इसका रेजिलेंस जो है टफनेस जो है ये वन थर्ड है है ना नेचुरल रबर से भी बहुत कम है ये एक्सलेंट टू ऑयल एंड ग्रीसेस इसका जो रेजिस्टेंस है ऑयल और ग्रीसेस से वो बहुत कम है इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनिक लिक्विड इसका लिक्विड का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है इसका टेम्परेचर एन देखिए माइनस पचास डिग्री सेंटीग्रेड टू तो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तो अगर आपको फ्रीज हो गया वाटर कूलर हो गया अगर वहाँ पे कोई रबर की अगर जरूरत वहाँ पे आपको पड़ती है तो आपने एन बी आर नैटर बुटाडिन का यूज करना चाहिए और ये काफी एक्सपेंसिव रबर माना जाता है अगर हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं तो जो फ्लेक्सिबल कपलिंग्स है देखिए है ना ये जो फ्लेक्सिबल कपलिंग आप लोग डायग्राम में दिख रही है है ना ये फ्लेक्सिबल कपलिंग या प्रिंटिंग ब्लैंकेट्स बनाने के लिए हम बुनायन रबर का यूज करते हैं या रबर रोलर्स जो आपको देख रहे हैं आप यहाँ पे है ना घरगुती जो हमारी रोटी बनाने के लिए जो लाटना रहता है दैट इज रबर रोलर अगर हमको चाहिए वॉशिंग मशीन के अगर कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं ना कपड़े धोने के लिए अंदर में वॉशिंग मशीन के कुछ कंपोनेंट्स अगर हमको बनाने हैं तो हम बुनायन रबर से वो बना सकते हैं इसके अलावा गैसोलिन केमिकल या एयर हॉसेस है ना पे होसेस दिख रहे हैं आपको पाइप दिख रहे हैं उनको बनाने के लिए भी हम बुनायन का यूज कर सकते हैं इसके अलावा ओरिंग्स हो गया सील्स हो गया हिल्स हो गया और सोल बनाने के लिए भी हम बुनायन रबर का यूज कर सकते हैं तो ये भी आपने ध्यान में रखना है अभी हम देखते हैं लास्ट जो हमारा रबर है सिंथेटिक रबर दैट इज सिलिकॉन रबर इसके हम जल्दी से फटाफट फड़ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं तो क्या है सिलिकॉन रबर की प्रॉपर्टीज दे आर आउटस्टैंडिंग इन रेजिस्टेंस टू हाई एंड लो टेम्परेचर ऑयल्स एंड केमिकल मतलब लो और हाई टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है हर टेम्परेचर पे काम कर सकता है कोई भी केमिकल के कॉन्टेक्ट में आया ऑयल के कॉन्टेक्ट में आया तभी भी उनका इसके ऊपर कोई भी असर होगा नहीं इसका थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हाई टेम्परेचर पे भी काम करेगा और इसका डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी काफी अच्छा है इसके जो डायमेंशन है वो चेंज होते नहीं है ये एक्सपेंसिव है महंगा है इट रिक्वायर स्पेशल प्रिकॉशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग लो स्मोक एमिशन एंड फ्लेम रिटार्डेंट गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है ना और ये ऐसा रबर है जो डार्क ने अंधेरे में ये ग्लो करता है जैसे जुगनू कैसे अंधेरे में चमकते हैं उसी प्रकार से सिलिकॉन रबर अंधेरे में चमकता है अप्लीकेशन दे आर यूज इन एक्सटेंसिवली इन कंपोनेंट हाई परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड जहां पे हाई परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे इसका यूज होता है और ट्यूब्स बनाने हैं स्ट्रिप बनाने हैं उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा सील बनाने गैस्केट ओरिंग इंसुलेशन फॉर वायर एंड केबल उनके लिए भी सिलिकॉन रबर का यूज होता है ये देखिए डायग्राम में आपको ये सील्स दिख रही है ओरिंग्स दिख रही है ये भी आपको यहाँ पे सील दिख रही है तो सील मोस्ट प्रॉब्ली सील्स बनाने के लिए वगैरह सिलिकॉन रबर का यूज होता है बराबर है तो यहाँ पे हमने हमारा रबर टॉपिक जो है खत्म किया है अभी हम नॉन मेटेलिक मटेरियल देखते हैं दूसरा सिरेमिक देखिए ये सभी स्लाइड्स के ऊपर देखिए है ना यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है दैट इज नथिंग बट ए सिरेमिक ओके okay, तो आपको ध्यान में आगे आऊंगा कि हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिरेमिक क्या है सिरेमिक इज एन इनऑर्गेनिक नॉन मटेरियल नॉन मेटेलिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ मेटल और सेमी मेटल एंड वन और नॉन मेट मोर नॉन मेटल्स तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इन इन इनऑर्गेनिक है ना ये ऑर्गेनिक नहीं है इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल है एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिरेमिक क्या है तो सिरेमिक इज okay. अ

एक हम इंसुलेटर्स लगाते हैं है, है ना ग्रे कलर का आपको रेडिश कलर का ग्रे रेडिश कलर का एक इंस्ट्रूमेंट दिखता है वो भी सिरेमिक से बना हुआ रहता है मोर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एंड हार्स एनवायरमेंट मेटल एंड पॉलीमर्स ये रेजिस्टेंस करता है हाई टेम्परेचर को ठीक है बहुत ब्रिटल होते हैं ये हार्ड रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ब्रिटल्स रहते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जैसे सिलिका सिलिका मतलब जो रेती रहती है जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं SiO2, ओ टू द मेन इंग्रीडियंट इन द मोस्ट ऑफ द ग्लास प्रोडक्ट तो जो ग्लास बनता है वो किससे बनता है सिलिका से बनता है फिर नेक्स्ट होता है एल्यूमिना एल्यूमिन मतलब होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन फ्रॉम एब्राजिव टू आर्टिफिशियल बोन्स अगर हमें एब्राजिव बनाने हैं या आर्टिफिशियल बोन्स बनाने हैं तो हम एल्यूमिना नाम के सिरेमिक का यूज करेंगे मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एज हाइड्रोस एल्युमिनियम सिलिकेट द मेन इंग्रेडिएंट इन द मोस्ट क्ले प्रोडक्ट जो क्ले प्रोडक्ट रहते हैं उसमें हाइड्रोस एल्यूमिनियम सिलिकेट ये मेन कंपोनेंट या प्रोडक्ट रहता है अभी हम देखते हैं के प्रोडक्ट्स। से हम क्या क्या बना सकते हैं तो क्ले कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स अगर हम क्ले कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं तो ब्रिक्स जो घर बनाने के लिए ईटे बनाते हैं या क्ले पाइप्स क्ले पाइप्स का यूज हम पे करते हैं अगर हमको

सीमेंट यूज इन ए कॉन्क्रेट है ना कॉन्क्रीट में जो सीमेंट यूज होता है जो कि हम कंस्ट्रक्शन या रोड बनाने के लिए यूज करते हैं वो भी सिरेमिक का ही एक प्रोडक्ट है वेयर वाइट वेयर प्रोडक्ट्स वाइट वेयर प्रोडक्ट्स मतलब जो भी हमारे कहाँ पे यूज होंगे ये सब हमारे वॉशरूम्स बाथरूम्स में यूज होंगे जैसे पॉट्री हो गया स्टोनवेयर हो गया है ना फाइन चाइना पोर्सिलीन एंड अदर टेबल वेयर है ना इट इज द मिक्सचर ऑफ क्ले एंड अदर ग्लास के बॉटल्स हो गए ग्लास लेंस विंडोज पेन विंडो पेन्स लाइट बल्ब है ना ये सभी किस में आते हैं सिरेमिक के प्रोडक्ट है ग्लास फाइबर एक बार क्वेश्चन आया था कि ग्लास फाइबर क्या है तो ग्लास फाइबर क्या है इट इज अरेमिक प्रोडक्ट ध्यान में रखना है यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि ग्लास फाइबर क्या है तो ग्लास फाइबर इज अमिक प्रोडक्ट वो कई के लिए यूज होता है थर्मल इंसुलेटिंग वूल्स रेनफोर्स प्लास्टिक्स फाइबर ऑप्टिक्स एंड कम्युनिकेशन

कटिंग टूल मतलब हमको किसी मटेरियल को रिमूव करना है किसी मटेरियल से तो टंगस्टन कार्बाइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्यूबिक बोरा नाइट्राइड ये भी सब क्या है सिरेमिक प्रोडक्ट है सिरेमिक इंसुलेटर एप्लीकेशन इंक्लूड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंपोनेंट, स्पार्क प्लग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप सब सबस्ट्रांड सभी सिरेमिक कंपाउंड ही प्रोडक्ट ही है मैग्नेटिक सिरेमिक भी रहता है जिसका यूज हम कंप्यूटर की मेमोरीज जो रहती है रैम रहती है ना जो डिस्क रहती है उस वहां पे हम उनका यूज करते हैं उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल बेस्ड ऑन यूरेनियम ऑक्साइड जो न्यूक्लियर फ्यूल्स जो रहेंगे है ना यूरेनियम ऑक्साइड के ऊपर डिपेंड वो भी सिरेमिक के ही प्रोडक्ट है बायो बायोसिरामिक जैसे आर्टिफिशियल दांत अगर हम बनाए आर्टिफिशियल टीथ बनाने हैं या आर्टिफिशियल बोन बनाने हैं तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया सिरेमिक प्रोडक्ट बन जाएगा बराबर है रिफ्रैक्टरी देखिए आपको ये में दिख रहा है, है ना ब्रिक्स दिख रही है ये 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 सब, है ये है? रिफ्रेक्टरी है। है? कि नहीं? सभी सभी क्या क्या का मतलब क्या है? ऐसे प्रोडक्ट जो हाई टेम्परेचर को विस्टैंड करते हैं है ना? उसे हम रिफ्रैक्टरी कहते हैं तो मटेरियल यूज इन हाई टेम्परेचर फरनास बराबर बोला मटेरियल यूज इन हाई टेम्परेचर फरनास उसे हम क्या बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टरी जैसे कि सिलिका होगी है ना रेती होगी एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिन म्यूलाइट एल्यूमिनियम क्रिस्टोबलाइट जो भी है या टेट्राहाइड्रा एज अ कैंडिडेट रिफ्रैक्टरी यह सभी क्या है बेटा ये सभी रिफ्रैक्टरी है रिफ्रैक्टरी मटेरियल आर यूज इन फर्नास किल इंसिडेटर्स एंड रिएक्टर्स रिएक्टर्स में फर्नास में, में या किल्स में रिफ्रैक्टरी यूज होता है रिफ्रैक्टरी आल्सो यूज टू मेक क्रूसिबल क्रूसिबल मतलब क्या होता है जहां पे मोल्टन मेटल को हीट करके दूसरे इसमें पोर किया जाता है उसे हम क्रूसिबल्स बोलते हैं बराबर है कास्टिंग ग्लास फ्लेम डिफ्लेक्टर इन सभी में हम रिफ्रैक्टर इसको यूज करते हैं उनके अलावा रॉकेट लॉन्च का जो स्ट्रक्चर रहता है है ना रॉकेट जहां से हम मिसाइल को दागते हैं वो भी हम रिफ्रैक्टर इसे बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द अप्लीकेशन सच एज बॉयलर रिफ्रैक्टरीज मैग्नेसाइड रिफ्रैक्टरीज क्रोमिट रिफ्रैक्टरीज एंड जीरो रिफ्रैक्टरीज तो दीज आर दोस्ट कॉमन रिफ्रैक्टरीज यूज जो हम ग्लास देखते हैं ग्लास भी एक प्रकार का सीरामिकी है सिलिकेट ध्यान में रखना CA, है बेटा ग्लासेस आर द नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकेट कंटेनिंग सिलीकेट ही है, मतलब का एक जरिया मतलब कौन है ग्लास है मोस्टली ग्लासेस आर ट्रांसपर एंड इजी टू फैब्रिकेट और फॉर्म हम सभी को पता है ग्लासेस आर द ट्रांसपरेंट क्रिस्टलाइन सेट विथ फाइन पॉलीक्रिस्टलाइन ग्रेन उसमें थोड़े से क्या रहेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन के ग्रेन्स भी रहेंगे जो ग्लासेस रहती, रहती है उनकी स्ट्रेंथ हाई रहती है हाई थर्मल कंडक्टिविटी रहती है हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस रहता है फॉर एग्जाम्पल पायरेक्स है ना पायरेक्स इज वन ऑफ द ग्लास देखिए ये सभी देखिए इंडस्ट्री ग्लास इंडस्ट्री है ग्लास के विंडोज के कवर से है ना सो इन शॉर्ट ग्लास इज अरेमिक नाउ द लास्ट सिरेमिक इज द एब्राजिव देखिए क्या कर रहा है ये एब्राजिव आपको ये जीप फाइल में क्या दिख रहा है ये एब्राजिव क्या कर रहा है है ना उसके ऊपर के मटेरियल को रिमूव कर रहा है मतलब उसको साफ कर रहा है बराबर है कि नहीं ये तो आप सभी ने देखा होगा सैंड सैंड पेपर पता है सभी को दिस so, इज नथिंग बट अ अबराजिव सो एब्राजिव इज अ टाइप ऑफ मटेरियल दिस इज वेरी हार्ड है ना ये जो एब्राजिव रहते हैं ये सबसे हार्ड मटेरियल रहते हैं बराबर है इट कैन ऑफन बी अ मिनरल ये एक मिनरल भी रह सकता आर एब्राज्यूज इन द वाइड रेंज ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन हमारे घरगुती एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए हम एब्राज का यूज कर सकते हैं एब्राज आर यूज टू फिनिश और शेप और वर्कपीस है ना किसी वर्कपीस को अगर हम फिनिशिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एब्राज का यूज करते हैं रबिंग द एब्राज ऑन वर्कपीस लीड टू पार्ट ऑफ द वर्कपीस बाय being वॉर्न अवे जब भी हम एक एब्रेसिव को किसी वर्कपीस के ऊपर रब करते रब करना मतलब घिसना जब हम उसके ऊपर घिसते हैं तो क्या होता है उसके जो बारीक बारीक टुकड़े वो बाहर निकलते हैं और उससे हमें फिनिशिंग अच्छी मिलती है वेन फिनिशिंग मटेरियल इज ऑफन थॉट ऑफ एज मीन टू बी पॉलिश द मटेरियल टू गेन स्मूथ सर्फेस और इवन रिफ्लेक्टिव सर्फेस अभी फिनिशिंग अच्छी मिलने के बाद हमें अगर उसकी पॉलिशिंग करना है तो पॉलिशिंग करने के लिए भी हम एब्राज का यूज करते हैं सम फिनिशिंग फिनिशिंग फिनिशेस रिक्वायर रफनिंग एज इट इज बेडेड और फिनिशर्स कभी कभी हमारी finishing या इतनी अच्छी हो जाती है कि हमको थोड़ी बहुत रफनिंग भी चाहिए तो हमें अगर किसी मटेरियल को रफ भी बनाना है तो हम एब्राज का यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस इसका हार्डनेस अच्छे होने के कारण हाई वेयर रेजिस्टेंस होने के कारण या हाई टफनेस होने के कारण हम उनको यूज कर सकते हैं जैसे ब्लेड्स के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लेड्स के लिए है ना सैंड पेपर के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या लूज एब्राजिव का पॉलिशिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो दिस इज द लास्ट सिरेमिक सो दिज आर द यूनिट आउटकम वी आर अचीव दट इज फाइव ए फाइव बी लेट एस रिवाइज द टूडेज लेक्चर इन टूडेज लेक्चर वी हैव गॉन थ्रू द रबर वेरियस टाइप्स ऑफ रबर दैट इज नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर and we have defined the various rubbers and with their properties and application after that we have learned about the ceramic what are the different ceramics and what are the properties what are the products of ceramic then we have refractories and abrasives and glasses okay these are the program outcomes that is program outcome 1 2 3 4 5 8 9 and pso 1 and pso 3 we are mapped these are the most likely क्वेश्चंस आस्क इन एमिस्बी दट इज नेचुरल रबर कहाँ से बनता है बुनाया सिलिकॉन रबर की प्रॉपर्टीज लिखो है ना सिंथेटिक नेचुरल रबर क्या होता है सो दीज आर दी वेरी मच लाइकली क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच गाइज इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कंपोजिट एंड स्मार्ट एंड एडवांस मटेरियल राइट right? सो so, यू ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए हैप्पी लर्निंग स्टे होम स्टे सेफ